ओम शांति। आज है 14 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली के सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में ये मेहनत होती नहीं। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कई योग बल से जन्म नहीं लिया है। दूसरा है, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुल गुल यानी पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही वैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। धारणा के लिए मुख्य सर। पहला, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद के यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशुक याद रहे तब विकर्माजीत बनेंगे। दूसरा, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्म को अनुसार अच्छे संस्कार को धारण कर अच्छे कुल में आना है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। वरदान का विस्तार, सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकेंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्प का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।